आतंकी हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने उसकी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को आतंकी संगठन घोषित किया है। मिल्ली मुस्लिम लीग ने 7 नेताओं को भी आतंकी घोषित किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लश्कर के तहरीक आजादी कश्मीर को भी आतंकी संगठन की सूची में डाला गया है। पाकिस्तान में इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हाफिज की पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मान्यता नहीं मिली है। सोमवार को ही चुनाव आयोग ने हाफिज से कहा था कि अगर वो अपनी पार्टी को रजिस्टर करना चाहता है तो उसे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। और इससे पहले चुनाव आयोग मिल्ली मुस्लिम लीग को रजिस्टर करने से इनकार भी कर चुका है। और अब मुश्किलें हाफिज सईद की बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका ने उसकी पार्टी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आतंकी है हाफिज सईद, ये लगातार सामने आ चुका है, यूएन भी उसे घोषित कर चुका है, लेकिन बावजूद उसके मैनिफेस्टो भी जारी हो रहा था, प्रचार भी हो रहा था, शायद अब कुछ समझ में आए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो लश्कर तोयबा और जमात दावा था उसको तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो उसने बनाई थी हाफिज सईद ने, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया गया था। पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि उसको आज नहीं तो कल उसकी पार्टी को मान्यता मिल जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अब जो उसकी पार्टी है उसको लश्कर तोयबा की तरह ही माना जाएगा। और इसका फर्क इससे कितना ही पड़ेगा कि कोई भी बड़े लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी पार्टी के लीडर्स के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करेगा और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वर्ल्ड लेवल पे वो हो नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि आप देख रहे हैं कि उनकी जो होम मिनिस्ट्री है, उनकी गवर्नमेंट है, वो लगातार हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन भारत ने जिस तरीके से लगातार सबूत दिए, यूएस को कन्विंस किया, और एक इंटरनेशनल जरूर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कुछ होने वाला है अभी नहीं दिखता। बिल्कुल खिलाफ तो होता नहीं दिख रहा, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर है। शुक्रिया मनीष, ये जानकारी हमें देने के लिए।